बच्चों आज मैं आपको क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ चैप्टर थ्री एक्सरसाइज 3.1 जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें आपको फैक्टर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, यानी कि इसमें डिजिट के फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब कि इसके किस किस टेबल में ये नंबर आता है, यानी कि उस डिजिट के टुकड़े कर देना, उसको अलग अलग डिजिट में बांटना, फैक्टर का मतलब कि वो किस किस टेबल में आता है। और जहाँ इसका नंबर है, जैसे अगर हम किसी डिजिट को चेक करते हैं, मान लो हमें 10 का फैक्टर निकालने हैं, क्वेश्चन नंबर यानी कि 10 नंबर के सभी फैक्टर हमें लिखने हैं, तो हमें 1 से लेके 10 तक की डिजिट में कोई भी डिजिट जो उसके अंदर आ रही है 1 से 10 तक, तो वो सारी डिजिट लिखने हैं, सारे नंबर लिखने हैं। वही इसके फैक्टर होते हैं कि वो किस किस टेबल में आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसका मैं आपको ए और बी दो पार्ट समझाऊंगा, क्योंकि बाकी के जो हैं इसके बी, आगे के जो सी डी ई एफ, सारे इसी पैटर्न पे होने हैं, तो इसीलिए मैं आपको ए और बी दो क्वेश्चनों का सलूशन बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका 24, अब 24 किस किस टेबल में किस किस नंबर में आता है। सबसे पहले आपका है 1, 24 वन जा 24, यानी कि 1 को 24 से करेंगे तो 24। इसके बाद 2 12 जा 24, इसके बाद 3 8 जा 24, इसके बाद 4 6 जा 24। अब 5 को अगर हम डिजिट को फैक्टर करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो 5 में 24 नहीं आता, क्योंकि 5 4 जा 20, 5 जा 25, तो यानी कि दोनों में कोई नंबर नहीं आ रहा, 5 में 4 बार में नहीं आ रहा, 5 में एकदम 25 आ गया, तो इसका मतलब इसके बीच में नंबर नहीं है। इसके बाद 8 में 8 त्रीजा 24, फिर इसके बाद 9 नहीं आता, 10 नहीं आता, 11 नहीं आता, उसके बाद 12 टूजा 24, और लास्ट डिजिट होगी आपकी 24 वन जा। तो अब 1 से लेके 24 तक की डिजिट हमने लिखी है, ये सभी नंबर को अगर हमने मल्टीपल किया है तो वो मल्टीपल में आपका 24 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने 1 से 24 तक के, इससे आगे का नहीं, क्योंकि इसके आगे तो 25 हो जाएगा, हमें लिखने हैं 24 के। तो 24 के किस किस नंबर में 24 आता है, तो वो हमने सारी डिजिट लिख ली, सारे नंबर लिख लिए। तो अब 1 से लेके 24 तक, तो यानी कि 1 से लेके 24 तक कौन कौन से नंबर हैं, 1 2 3 4 6, 5 नहीं आता, 8 12 24, तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 24, तो ये सभी फैक्टर हो गए। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है 15, तो 15 पहले सबसे पहला नंबर 1 ही आएगा, 1 15 जा 15, उसके बाद 2 में 24 के फैक्टर नहीं बनते, सॉरी 15 के फैक्टर नहीं बनते, इसके बाद 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, इसके बाद कोई टेबल नहीं है और इसके बीच में भी कोई टेबल नहीं है, तो 15 के कितने हो गए, 1 3 5 15, तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 15। तो इसी पैटर्न पे आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं और बहुत ध्यान से करने हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये आपके हो गए फैक्टर्स। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ये तो आपके हो गए फैक्टर्स, तो फैक्टर जब हम करते हैं तो वो वहीं तक करते हैं जहां तक उस डिजिट का नंबर है। अगर हम 24 के फैक्टर निकाल रहे हैं तो 24 तक ही नंबर चलेगा, अगर 15 के निकाले हैं तो 15 तक ही नंबर चलेगा, उससे आगे नहीं। क्लियर है बच्चों? अब है क्वेश्चन नंबर 2।
अब क्वेश्चन नंबर टू का सलूशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर टू मैं इसको साथ में आपको उतार भी देता हूँ ताकि आप ध्यान से इसको समझ भी लेंगे। राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल, फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ, ठीक है, इसके बाद है इसका सॉल्यूशन। तो ए पार्ट नंबर क्या है इसका, फाइव। तो राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ फाइव, इससे पहले जो आपने किया था वो आपने किया था फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में जहाँ तक डिजिट का फैक्टर पूछा जाए वहीं तक आपको लिखना है, लेकिन मल्टीपल्स में इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं तक भी इसको ले जा सकते हैं। लेकिन अगर वो ये कह दिया कि फर्स्ट फाइव मल्टीपल, तो फर्स्ट फाइव होने चाहिए फिर। तो फाइव का फाइव बन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। तो ये फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स हो गए हैं, क्लियर है। तो अब द फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स आर, तो कितने हो गए, फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव। तो इसके मल्टीपल्स का मतलब हो गया फाइव की मल्टीपल्स लिखने हैं। तो फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। तो इसको आप कितना भी आगे ले जा सकते हैं, जितना वो पूछ सकता है, लेकिन फैक्टर में ऐसा नहीं करना। फैक्टर में जो डिजिट पूछ रहा है वहीं तक वो लिखनी है, और मल्टीपल्स में आप इसको आगे भी ले जा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही आपको बी पार्ट है एट, ऐसे एट के फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स, तो इसको भी ऐसे करेंगे, एट वन जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, एट फोर जा थर्टी टू, एट फाइव जा फोर्टी। फर्स्ट फाइव हो गए वन टू थ्री फोर फाइव, तो फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स हो गए। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, द फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स आर, तो एट सिक्सटीन ट्वेंटी फोर थर्टी टू फोर्टी। क्लियर है बच्चों? तो इसमें आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स, ये दो चीज़ें आपको करनी है। तो फैक्टर में आपको वो लिखना है जहाँ तक वो डिजिट पूछी जाती है, और मल्टीपल्स में कहाँ लिख सकते हैं, आप इसको आगे तक भी ले जा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये आपके क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, ताकि आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। लेकिन इनके जो आगे के पार्ट हैं उसे आपको अपने आप करने हैं इसी पैटर्न पर। तो इसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। थैंक यू।